मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल तहरी और ये जो तहरी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आज की जो तहरी है इसमें हम बहुत सारी सब्जियाँ ऐड करेंगे तो जिससे ये हेल्दी भी होगी। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक गिलास चावल, टुकड़ों में कटी हुई एक गाजर, एक छोटी कटोरी मटर, मीडियम साइज़ का टुकड़ों में कटा हुआ एक आलू, मीडियम साइज़ के कटे हुए दो टमाटर, एक कटोरी सोयाबीन की वड़ी, मीडियम साइज़ का पतला लंबा कटा हुआ एक प्याज, पतली लंबी कटी हुई थोड़ी सी अदरक, थोड़े से खड़े गरम मसाले। तो खड़े गरम मसालों में हमें चाहिए थोड़ी सी काली मिर्च, एक चम्मच जीरा, दो हरी इलायची, तीन से चार सूखी लाल मिर्च। और बाकी मसालों में हमें चाहिए एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक बड़ा चम्मच गरम मसाला और नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर तहरी बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो सोयाबीन की वड़ी ली है उसे उबालेंगे। तो भगोने में लगभग एक गिलास के करीब डालेंगे पानी और जैसे ही पानी गर्म हो जाएगा थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। और सोयाबीन की वड़ी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए दो से तीन मिनट बस इसे पकाना है। बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाती है पककर ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में उबाल आने लगा है और जो ये सोयाबीन की वड़ी है फूल कर सॉफ्ट हो गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में जो झाग है तो इसी की वजह से सोयाबीन की वड़ी उबलने के बाद इसे हम पानी से अच्छे से दो से तीन बार धोएंगे सादे पानी से और जो इनमें पानी होगा अच्छे से उन्हें निचोड़ कर रख देंगे। तो अब तहरी बनाने के लिए यहाँ पर गैस पर हमने रखा है प्रेशर कुकर। तो इसमें हम डालेंगे तेल। तो यहाँ पर आप रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल या फिर घी का यूज़ कर सकते हैं तहरी बनाने के लिए। हमने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है जिसे कि अच्छे से हम गर्म करेंगे और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें ऐड करेंगे खड़े गरम मसाले जो कि हमने लिए हैं, साथ ही ऐड करेंगे अदरक और प्याज। और चलाते हुए प्याज को भूरा होने तक फ्राई करेंगे और जैसे ही इस तरह प्याज फ्राई हो जाए तभी हम इसमें ऐड कर देंगे गाजर, आलू और मटर। तो तहरी में सब्जियां आप अपने पसंद की और भी ऐड कर सकते हैं जैसे गोभी, बीन्स या जो भी आपको पसंद हो। और अब हम इसमें ऐड करेंगे सोयाबीन की वड़ी। तो आप देख सकते हैं अच्छे से पानी से धोकर हमने इनका पानी निचोड़ लिया था। इन्हें भी डालकर अच्छे से मिलाएंगे अब हम ऐड कर देंगे मसाले। तो बहुत ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालेंगे, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी ऐड करेंगे, मिला देंगे। साथ के साथ ही कटे हुए टमाटर भी डालेंगे। तो यहाँ पर हमने दो मीडियम साइज़ के टमाटर का यूज़ किया है। आप चाहें तो टमाटर की मात्रा बढ़ा सकते हैं या फिर आप कम भी ले सकते हैं। टमाटर डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे और अब हम इसे ढक के रख देंगे धीमी आंच पर पकने के लिए जिससे कि टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और मसालों के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो जितनी देर में टमाटर जो है सब्जियों के साथ गलते हैं उतनी देर में हम चावल को बीन कर धोकर तैयार करके रख लेते हैं। तो तहरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं एक कप चावल। तो ये जो चावल हैं पहले से हमने अच्छे से बीन के रखे हुए हैं तो इन्हें पानी से हम दो से तीन बार अच्छे से धोएंगे और इस तरह इनका हम पानी निकाल कर साइड में रख देंगे। पहले से चावल को भिगो कर रखने की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग दो से तीन मिनट लगेंगे टमाटर को पकने में, खोलकर आप दो से तीन मिनट बाद चेक कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर जो है सब्जियों के साथ अच्छे से गल चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दो चम्मच दही। तो दही डालने से तहरी का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है, चाहे तो आप डालें
या चाहे तो आप दही को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से सब्जियों के साथ मिलाएंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। और चावल डालने के बाद सब्जियों के साथ अच्छे से मिलाएंगे और 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। एक चम्मच ऐड कर देंगे गरम मसाला, फिर से अच्छे से मिलाएंगे। चावल को सब्जियों के साथ मिलाने के बाद अब हम ऐड करेंगे पानी। तो जिस गिलास से नाप कर हमने चावल लिए थे उसी गिलास से नाप कर इसमें आप 1.25 कप के लगभग पानी ऐड कर दें। बस इतना पानी काफ़ी होगा तहरी के लिए, क्योंकि टमाटर और सोयाबीन की वड़ी जो हमने इसमें ऐड की है उसमें भी मॉइस्चर होगा, तो पानी बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक, फिर से एक बार अच्छे से मिलाएंगे। और प्रेशर कुकर का ढक्कन हम लगा देंगे और 2 सीटी आने तक पकाएंगे। 1 सीटी आप इसकी मीडियम फ्लेम पर ले लें और जब 1 सीटी आ जाए गैस का फ्लेम लो कर दें और लो फ्लेम पर भी आप 1 सीटी ले लें। तो जैसे ही प्रेशर कुकर में सीटी आ जाए गैस को हमें बंद कर देना है और प्रेशर कुकर को इसी तरह छोड़ देंगे भाप निकलने तक। और जब प्रेशर कुकर की भाप अच्छे से निकल जाएगी तभी हम तहरी को खोलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तहरी जो है बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हुई है, चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। अब आप इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर दें और गर्मा गर्म इसे आप सर्व करें। आप इसे रायते के साथ, चटनी के साथ या अचार के साथ सर्व करें। और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।